बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MJS किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और बहुत इजी और क्विक बनने वाली पिज़्ज़े की रेसिपी। ना तो इसमें डो बनाने की ज़रूरत है और ना ही उसको राइस करने की, बस जल्दी से एक बैटर बनाएंगे और यम्मी सा पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। आधा कप मैंने चिकन लिया है और उसको बिल्कुल छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इसको मिक्स करेंगे। अब मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। पैन में ये चिकन डालेंगे और इसको मीडियम टू लो आंच पे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। चिकन हमारी कुक हो गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको ठंडा करती हूँ। अब पिज़्ज़े की बेस बनाने के लिए मैं एक बोल में डालूंगी 1 कप दूध, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, 2 अंडे। पहले इनको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और पैन को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब ये बैटर पैन में डालेंगे। अब इसको कवर करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे 6 से 7 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 7 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ डालेंगे। अब ऊपर ये पकी हुई चिकन। अब इसके ऊपर दोबारा से मोज़रेला चीज़, अब क्यूब्स में कटा टमाटर, क्यूब्स में कटी शिमला मिर्च, क्यूब्स में कटी प्याज, और ऑलिव्स। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगानो छिड़केंगे और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। अब इसको कवर करेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे और मज़ीद इसको इतनी देर बेक करेंगे कि ऊपर से चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। ये हमारा यम्मी सा पिज़्ज़ा रेडी है। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।